जैसे यहाँ पे लिखा है टाइम पीरियड डजेंट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड मास। तो टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, जब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा, देखो यार टाइम पीरियड होता है, इसको जब यहाँ से छोड़ दिया ना तो यहाँ इसका वापस आने को हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो ये छोड़ा, ये गया, फिर वापस आया, तो इसमें जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं या वन साइकिल कहते हैं। अब ज़रा देखना, तो यहाँ पे लिखा है लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करते, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से लेकर छोड़ दूँ तब भी उतना टाइम आएगा, यहाँ से छोड़ूँ तब भी उतना, यहाँ से छोड़ूँ तब भी उतना ही टाइम आएगा। सुनने में काफ़ी अटपटा है, देखते हैं एक बार। तब इसके रेडी, 1 2 3 कितना, 2.1 सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड भाई छोड़ ही सकते हो, मिली सेकेंड पर चल रहा है, तो लगभग 2 सेकेंड्स। अब यहाँ पर छोड़ते हैं, रेडी 1 2 3 कितना, 1.93, दैट इज क्लोज टू 2 सेकेंड्स। आया बात समझ में? फिर यहाँ करके देखते हैं यहाँ से एक बार, तो रेडी 1 2 3 कितना, 1.8। और अभिष्क का है 2.4। तो यही है फंडा कि इसका लेंथ पे डिपेंड नहीं करते इसका कितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, मतलब अगर तुम इसको यहाँ से छोड़ोगे ना तब भी इसको कंप्लीट करके आने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड्स। यहाँ से छोड़ रहे हो तब भी कितना लग रहा है, सेम टाइम। काफ़ी सुनने में ऑकवर्ड है बट ये सच है। आया बात समझ में जी भैया?